हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवीज क्लासेस जोन। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इन डिजिट्स से ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर किस तरह से बनाना है। यहाँ पे एक्चुअल में 6 डिजिट ग्रेटेस्ट एंड 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आपको 6 डिजिट दिख रही है, बट आगे के क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, ओनली 5 डिजिट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ओनली 4 डिजिट है। तो ऐसे इतनी कम डिजिट से 6 डिजिट नंबर कैसे बना सकते हैं ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे। तो फर्स्ट जो नंबर है यहाँ पे 6 डिजिट ऑलरेडी है, तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे बड़ा नंबर हम सबसे पहले लिखेंगे। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर है नंबर 9। देन 9 के बाद 9 को कट कर देंगे। अब देखेंगे कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, तो अभी है नंबर 7। 7 को कट करेंगे, देन 6। 6 को हटा दिया, अब 5। 4 और 1 में 5 बड़ा है, देन 4, एंड देन लास्ट में आएगा 1। अब कॉमा पुट करेंगे, 1s, 10s, 100 के बाद कॉमा, 1000, 10,000 के बाद कॉमा, तो ये बन गया 9,76,541। अब स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए इसको जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट में नंबर को अरेंज करेंगे, तो आ जाएगा 1, 4, 5, 6, 7, 9। अब यहाँ पे 3 डिजिट पे कॉमा, देन 2 डिजिट पे कॉमा, 1,45,679। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट नंबर है, तो हमें क्योंकि 6 डिजिट नंबर बनाना है तो इनमें से कोई नंबर हमें रिपीट करना होगा। अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट नंबर की, तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर है इसमें नंबर 9। अब क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हम जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसे ही रिपीट कर लेंगे वन टाइम, और तो यहाँ पे 9 हो गया। अब 9 के बाद नेक्स्ट नंबर है यहाँ पे ग्रेटेस्ट 8, देन 5, देन 1 एंड लास्ट में 0। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। अब 3 डिजिट पे कॉमा और 2 डिजिट पे कॉमा। अब हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो यहाँ पे सबसे छोटा जो नंबर है वो है नंबर 0। बट कोई भी नंबर हम 0 से स्टार्ट नहीं करते, बिकॉज़ हम अगर 0 से कोई भी नंबर स्टार्ट करेंगे, सपोज़ 0, 2, 4 लिखा है, तो इसे हम ओनली 2 डिजिट ही काउंट करते हैं, इसे हम 24 ही पढ़ते हैं, 0 को हम काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे 0 से स्टार्टिंग नहीं करेंगे, 0 के बाद देखेंगे कौन सा नंबर सबसे छोटा है। तो 0 के बाद सबसे छोटा नंबर है नंबर 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब 1 के बाद ये वाला 0 हम यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम 1 को दो बार रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ सबसे छोटा नंबर एक्चुअल में है 0, बट 0 से हम नंबर स्टार्ट नहीं कर सकते, इसलिए 0 को हटा के जो नंबर सबसे छोटा है वो सबसे पहले लेंगे। देन उसके बाद 2 टाइम्स हम 0 रिपीट कर देंगे। देन नेक्स्ट है नंबर 5, देन 8, देन 9। अब 3 डिजिट पे कॉमा एंड 2 डिजिट पे कॉमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, 1, 2, 3, 4, अगेन 5 डिजिट नंबर है, तो सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे 9, तो यहाँ 2 टाइम्स 9 लिखेंगे, देन 8, देन 5, 4, 2। और अब सबसे छोटा नंबर है 2, तो यहाँ 2 टाइम्स 2 को रिपीट करेंगे, देन 4, 5, 8 एंड 9। 3 डिजिट पे कॉमा, 2 डिजिट पे कॉमा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4 डिजिट हैं सिर्फ, हमें चाहिए 6 डिजिट, तो कोई भी नंबर हमें 3 टाइम्स लिखने होंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है नंबर 8, तो हमें 8 को 2 टाइम्स रिपीट करना है, 1, 2, 3। अब इसके बाद है नेक्स्ट 6, देन 5, देन 4, तो ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट। अब स्मॉलेस्ट के लिए सबसे छोटा नंबर है 4, तो यहाँ 3 टाइम्स 4 लिखेंगे, देन 5, देन 6 और लास्ट में 8। ये हो गया स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राउंड ऑफ एज डायरेक्टेड। राउंड ऑफ यहाँ निकालना है, मीन्स नियरेस्ट टू 10, नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू 1000 नंबर्स निकालने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 15,478, इसका नियरेस्ट टू 10 नंबर निकालना है। तो जब नियरेस्ट टू 10 नंबर करना होता है, तो
हमें क्या करना होता है, ये वंस वाली डिजिट चेक करनी होती है। वंस वाली डिजिट अगर 5 या अबव 5 होती है तो टेंस के प्लेस वाली डिजिट पे 1 प्लस हो जाता है और यहाँ पे 0 हो जाता है। और अगर ये बिलो 5 होती है तो टेंस के प्लेस पे जो नंबर है वो एज इट इज़ रहता है, बस यहाँ पे 0 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज़ यहाँ पे 78 है, तो 78 जो नंबर है वो 70 और 80 के बीच में आता है। तो अब हमें देखना ये होता है कि ये जो नंबर है वो 80 के ज़्यादा क्लोज़ है या 70 के ज़्यादा क्लोज़ है। तो जब भी ये 5 या 5 से अबव होता है तो वो 80 के ज़्यादा क्लोज़ मानते हैं, और अगर बिलो 5 होता है तो 70 के क्लोज़ है। तो यहाँ पे देखेंगे ये नंबर है नंबर 8 जो कि अबव 5 है, तो टेंस के प्लेस पे 1 प्लस कर देंगे तो ये यानी हो जाएगा कि ये 80 के क्लोज़ है। तो यहाँ पे लिखेंगे 15,480। इस वाले प्लेस पे अगर नियरेस्ट टू 10 करना है तो जो वंस वाली डिजिट है वो तो 0 ही हो जाएगी, बस यहाँ पे जो भी होता है वो चेंजेस होते हैं। अगर अबव 5 है, 5 और अबव 5, तो यहाँ प्लस 1 करेंगे, और अगर बिलो 5 है तो ये एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे 70 ही रह जाता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर दिया हुआ है इसको नियरेस्ट टू 100 करना है। तो नियरेस्ट टू 100 के लिए हमें लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी होती है। अगर ये 2 डिजिट 50 या अबव 50 होता है तो 100 के प्लेस पे प्लस 1 हो जाएगा, और अगर ये बिलो 50 है तो ये वाला नंबर 100 के प्लेस वाला नंबर एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे 0, 0। तो बिकॉज ये जो नंबर है वो बिलो 50 है तो यहाँ पे कोई भी प्लस नहीं होगा, सिंपली 6, 5 ये नंबर एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा 0, 0। तो नियरेस्ट टू 100 का मतलब होता है कि 730 700 के क्लोज़ है या 800 के क्लोज़ है। तो ये नंबर क्योंकि बिलो 50 है तो ये 700 के क्लोज़ है। नेक्स्ट नियरेस्ट टू 1000, नियरेस्ट टू 1000 में लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। लास्ट के 3 डिजिट अगर 500 और अबव 500 है तो 1000 के प्लेस पे प्लस 1 होगा, और अगर बिलो 500 है तो ये नंबर एज इट इज़ रहेगा। तो बिकॉज ये नंबर अबव 500 है मीन्स यहाँ पे 1000 के प्लेस पे प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3, 2, 5 में प्लस 1 करेंगे 6, और ये वाली तीनों डिजिट हो जाएगी 0, 0, 0। नेक्स्ट 99,999 इसको नियरेस्ट टू 100 करना है। तो अगेन नियरेस्ट टू 100 है तो लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे। अब ये अबव 50 है, तो अबव 50 है तो इस वाले 100 के प्लेस पे प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 0, 0। तो यहाँ पे जब प्लस 1 करेंगे, बिकॉज़ ये नंबर 9 है तो प्लस 1 किया तो ये 10 हो गया, 10 का 0 लिखेंगे 1 कैरी, 9 में प्लस 1 10 हो गया, 0 लिखेंगे 1 कैरी, अगेन 9 प्लस 1 10 हो गया, यहाँ पे 10 पूरा लिख देंगे, और ये जो दोनों 9 हैं इनके जगह तो पहले ही 0, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर 1 लाख। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि 6 डिजिट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं एंड राउंड ऑफ नंबर कैसे करते हैं नियरेस्ट टू 10, 100 एंड 1000। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रोमन न्यूमेरल सिस्टम। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करके ऑल का बटन दबाएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन हिट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।